अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं निजम अमजीद और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। वीवर्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 से। तो चलिए आते हैं अपने काम की तरफ। तो दोस्तों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 में जो बेसिक चीज़ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले उससे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों उसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैविंग पावर टू बट नॉट ग्रेटर देन टू। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की कुव्वत दो होती है, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसकी जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली और एक कांस्टेंट, और कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो हो जाए तो देन हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी वजह से इसकी कंडीशन दी गई है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों यहाँ देखें, एक x स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट ऑब्वियसली जीरो नहीं है, ये x वाली टर्म है और ये कांस्टेंट आ रहा है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ यूँ आ जाता है, 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक x वाली टर्म आ जाती है और कोई कांस्टेंट आ जाए साथ, एक x स्क्वायर वाली टर्म आ जाए और एक कांस्टेंट आ जाए, एक्स वाली टर्म मिसिंग हो, तो देन हम उसे कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक, कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x, 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 7। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ बचेगा प्लस का 4x माइनस 21, इस 7 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 विच इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों यहाँ देखें, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक एक्स वाली टर्म आ गई और एक जो है वो कांस्टेंट आ गया, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं, जस्ट आपने चेक करने हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, कि आया कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कौन सी फॉर्म बना रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रही है या प्योर फॉर्म। और बिलफर्ज अगर यहाँ पर ये एक्स वाली टर्म ना होती, जस्ट एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट आ रहे होते, तो देन हम उसे क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बाकी खुद सॉल्व करने हैं इस इक्वेशन के, इसी तरह के जितने भी हैं पहले क्वेश्चन के जितने पॉइंट हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। तो आइए अपने दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब इन क्वेश्चंस की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं इन दो की सिंपल सी फैक्टराइजेशन करके आपको दिखा दूंगा कि क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन मीन मतलब उसको सॉल्व करना है, हमने उनकी कुछ वैल्यूज निकालनी है सिंप्लीफाई वाला में लाकर बाद लाने के बाद। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये देखें सबसे पहले कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए आपने दो डिजिट फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करें तो ये माइनस का एक्स बाकी बचना चाहिए, यानी माइनस का एक एक्स, और उन्हीं दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाली टर्म आनी चाहिए माइनस 20x स्क्वायर। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास क्या बचना चाहिए, माइनस का एक्स, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाली टर्म्स आनी चाहिए माइनस का 20x स्क्वायर। कैसे, मैं हल करके दिखाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 5x प्लस का 4x, माइनस 5x प्लस 4x को क्या बच जाएगा, माइनस का x। यहाँ पर हमें माइनस वाली रकम चाहिए थी तो मैंने माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ी ली है,
याद रहे कोई से दो डिजिट सेलेक्ट करने हैं। अब इन्हीं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस 5x प्लस 4x तो कितना बनेगा माइनस का 20x स्क्वायर, यानी कि साइड वाले एलिमेंट भी बन रहे हैं, तो हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। अब जस्ट इन दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस 5, और अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, और यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोशिश कीजिएगा अगर ब्रैकेट्स के अंदर वाले सेम डिजिट हो आपके पास। अगेन ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x माइनस 5 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल रख लें। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 4। तो दोस्तों ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। ये फैक्टराइजेशन हम इसकी कर चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले y को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रोसेस हम करना चाह रहे हैं, हमने देखना है कि सबसे पहले इसमें इजी स्टेप क्या है। तो हमने देखा कि अगर y को पहले मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सा हमारे लिए एक स्टेप आगे हम जा सकते हैं, तो हम वही करने लगे हैं, जस्ट y को मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस का 5y। अब क्या करते हैं, सब y वाली टर्मों को एक साइड पे ले आते हैं, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, क्योंकि सब टर्म इधर आ गई हैं। 3y में से 2 y निकाल लेते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखें दोस्तों फैक्टराइजेशन में एक बात को माइंड में रखिएगा कि अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास y दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा 2y, एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर बाकी रह जाएगा, प्लस 5y में से y निकालेंगे तो बाकी क्या बच जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब y को भी 0 के इक्वल रख लें, 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल रख लें, y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 2y इज इक्वल टू माइनस 5, 5 उस साइड पर जाएगा तो 2 दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। तो दोस्तों ये दो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर भी हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही सॉल्यूशन सेट होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।